अगर आपने अभी अभी पेटीएम मनी में अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया है, यानी कि आप बिगनर हैं और आप नहीं जानते हैं कि पेटीएम मनी ऐप के द्वारा शेयर कैसे खरीदे और बेचे जाते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको पेटीएम मनी ऐप के द्वारा शेयर खरीदना और बेचना सिखाने वाला हूँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश सैनी और आप देख रहे हैं YouTube चैनल टेक माइंड वर्ल्ड। यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर पेटीएम मनी ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप ओपन करने पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पेटीएम मनी का अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएगा। आप पेटीएम मनी में अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टॉक सेल एंड बाय करने के लिए, या तो आप यहाँ स्टार्ट इन्वेस्टिंग पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर लेफ्ट साइड में हेलो इन्वेस्टर के आइकन पर क्लिक करोगे तो मेनू ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको इक्विटी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ फिंगरप्रिंट या ओटीपी से इसमें लॉगिन करेंगे। इसके बाद आपका स्टॉक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे ऊपर आपको निफ्टी 50 दिखाई देगा। निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनियां आती हैं। आप पेज को थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको निफ्टी 50 का ग्राफ देखने को मिल जाएगा। इस ग्राफ की मदद से आप इसे एनालाइज कर सकते हैं, कब ये हाई गया और कब ये लो गया। आप और नीचे आओगे तो यहाँ पर आप टॉप गेनर और टॉप लूजर कंपनियां देख सकते हैं। आप चाहें तो यहां से भी स्टॉक को बाय कर सकते हैं, या फिर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो ऊपर सर्च आइकन दिया है, इस पर क्लिक करके उस स्टॉक को सर्च कर सकते हैं, या फिर नीचे वॉच लिस्ट का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे। यहां आपको माई वॉच लिस्ट मिल जाएगी। आप जिस भी स्टॉक को बाय करना चाहते हैं, आप एड स्टॉक्स पर क्लिक करके उस स्टॉक को माई वॉच लिस्ट में एड कर सकते हैं, या आप अपनी खुद की वॉच लिस्ट बना सकते हैं। न्यू वॉच लिस्ट बनाने के लिए मैनेज वॉच लिस्ट पर जाएंगे। इसके बाद एड वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ वॉच लिस्ट का नाम डालेंगे, जैसे कि मैं डाल देता हूँ माय फेवरेट स्टॉक्स। इसके बाद कंफर्म पर क्लिक करके इसे सेव कर देंगे। आपकी वॉच लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह से आप यहाँ और भी वॉच लिस्ट बना सकते हैं। इसके बाद ऐड स्टॉक्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ उस स्टॉक का नाम डालकर सर्च करेंगे जिसे आप वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यस बैंक को ऐड करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ यस बैंक डालकर सर्च किया है तो इसके नीचे यस बैंक सर्च होकर आ गया है। इसके सामने वॉच लिस्ट का आइकन दिया है, इस पे क्लिक करना है। आपके सामने सभी वॉच लिस्ट आ जाएंगी। आप जिस वॉच लिस्ट में स्टॉक को ऐड करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे तो उसी वॉच लिस्ट में स्टॉक ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आप एक वॉच लिस्ट में 50 स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले आपको इसमें फंड ऐड करना होगा। फंड ऐड करने के लिए आपको अकाउंट के ऑप्शन में जाना है। यहाँ आपका फंड बैलेंस शो होता है। अभी हमारे पास 100 रुपए का फंड अवेलेबल है। मैं 1000 रुपए और ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ रुपए डालेंगे। आप इसमें जितने रुपए का फंड ऐड करना चाहते हैं यहाँ उतने रुपए डालकर ऐड मनी पर क्लिक करेंगे। यहाँ से पेमेंट मेथड चूज करेंगे। आप किस तरह से फंड ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि आप गूगल पे से फंड ऐड करना चाहते हैं तो गूगल पे सेलेक्ट करके पे पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप गूगल पे ऐप में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ गूगल पिन डालकर लॉगिन करेंगे। इसके बाद आपको इस तरह से रिक्वेस्ट देखने को मिलेगी। यहाँ से आपको वो अकाउंट सेलेक्ट करना है जो आपने पेटीएम मनी में ऐड कर रखा है। अकाउंट सेलेक्ट करके पे पर क्लिक करेंगे। यहाँ UPI पिन डालकर ओके कर देंगे। ओके करते ही पेमेंट हो जाएगा और आप फिर से पेटीएम मनी ऐप में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ 1000 रुपए का फंड ऐड हो गया है। आप बैक जाकर देखेंगे तो अब यहाँ 1100 रुपए का फंड बैलेंस हो गया है। चलिए अब हम स्टॉक बाय करेंगे। वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे। आप जिस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे कि हमने यस बैंक के ऊपर क्लिक किया है। यहाँ सबसे ऊपर स्टॉक का नाम शो होता है। इसके नीचे स्टॉक का करंट प्राइस शो होता है, यानी कि जितने रुपए पर स्टॉक ट्रेड कर रहा होता है वो प्राइस शो होता है। और इसके सामने सेम डे का प्रॉफिट एंड लॉस शो होता है, जैसे कि आज के दिन ये 1.89% अप जा चुका है। और इसके नीचे पिछले 3 महीने का रिटर्न शो होता है, इसने पिछले 3 महीने में कितने परसेंट का रिटर्न दिया है। इसके बाद आपको इसका ग्राफ देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, 3 महीने, एक साल, 3 साल का चार्ट देख सकते हैं। स्टॉक ने कब कब कैसा परफॉर्म किया है। अगर आप स्टॉक में SIP करना चाहते हैं, यानी कि आप हर महीने थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं,
तो यहाँ पर आपको स्टार्ट SIP का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से स्टॉक में SIP शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्रिएट GTT का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से GTT ऑर्डर भी लगा सकते हैं। स्टॉक SIP और GTT के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके बाद आप मार्केट डेप्थ देख सकते हैं, स्टॉक की कितनी क्वांटिटी खरीदी और बेची जा रही है। ग्रीन कलर में खरीदने वाले लोग हैं और रेड कलर में बेचने वाले लोग हैं। इसके बाद आप इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, स्टॉक कितने पर ओपन हुआ, कितना हाई गया, कितना लो गया और पिछले दिन कितने पर क्लोज हुआ था। यहाँ पर आपको पिछले 52 हफ्तों का लो और हाई देखने को मिल जाता है। इसके बाद आप यहां से इसकी ईयरली परफॉर्मेंस देख सकते हैं, कितना हाई गया और कितना लो गया। इसके बाद आप हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देख सकते हैं और लास्ट में आप इसके फंडामेंटल्स देख सकते हैं। यहां पर स्टॉक की मार्केट कैप दे रखी है जो कि करोड़ में है। यहां प्राइस टू अर्निंग्स और यहां अर्निंग पर शेयर दे रखा है। यहाँ पर आपको बाय और सेल के ऑप्शन मिल जाते हैं। स्टॉक खरीदने के लिए आपको बाय पर क्लिक करना होगा। यहाँ से एक्सचेंज चूज करना है, NSE या BSE। इसके बाद यहाँ दो ऑप्शन दे रखे हैं, डिलीवरी और इंट्राडे। अगर आप इंट्राडे चूज करते हैं तो आपको सेम डे में ही स्टॉक सेल करना होता है, यानी कि इंट्राडे में आपको उसी दिन स्टॉक को बाय और सेल करना होता है। अगर आप सेल नहीं करोगे तो मार्केट क्लोज होने से पहले आपका स्टॉक ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। और अगर आप डिलीवरी ऑप्शन को चूज करते हो तो फिर आप स्टॉक को कितने भी समय के लिए होल्ड करके रख सकते हो, 1 साल, 2 साल, 5 साल या इससे भी ज्यादा के लिए होल्ड करके रख सकते हो, या आप सेम डे भी सेल कर सकते हो। हम डिलीवरी पर ही बाय करेंगे। यहाँ पर आपको क्वांटिटी एंटर करनी है, आपको स्टॉक की कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, जैसे कि हमने यहाँ 49 क्वांटिटी डाल दी है। इसके बाद आपको मार्केट या लिमिट ऑप्शन को चूज करना है, जैसे कि अभी ये स्टॉक 21.60 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और आपको लगता है कि इसका प्राइस 21 रुपए तक नीचे आ सकता है, तो आप कस्टम प्राइस में टिक करके यहाँ 21 रुपए डालकर ऑर्डर कर सकते हैं। स्टॉक बाय करने के लिए आपको अप्रोक्स कितना मार्जिन चाहिए होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा और यहाँ पर आपका अवेलेबल फंड बैलेंस दिखाई देगा। आप राइट साइड में स्वाइप करोगे तो ऑर्डर बुक हो जाएगा और पेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा। आप ऑर्डर्स में जाकर ऑर्डर देख सकते हैं। ये ऑर्डर अभी पेंडिंग में है। जैसे ही ये स्टॉक 21 रुपए के प्राइस को हिट करेगा तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर मार्केट क्लोज होने तक स्टॉक का प्राइस 21 रुपए तक नहीं आया तो मार्केट क्लोज होने के बाद आपका ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और आपका बैलेंस वापस से फंड में शो होने लगेगा। पेंडिंग ऑर्डर को आप मॉडिफाई या कैंसिल भी कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के लिए ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से ऑर्डर की डिटेल देख सकते हैं और मॉडिफाई करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, आपका ऑर्डर ओपन हो जाएगा। अब आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर आप इसे मार्केट प्राइस पर ही बाय करना चाहते हैं तो आपको मार्केट ऑप्शन को चूज करना है, यानी कि कस्टम प्राइस से टिक हटा देंगे। अब जितने रुपए पर भी स्टॉक ट्रेड कर रहा होगा उसी पर ही स्टॉक बाय हो जाएगा। जैसे कि अभी ये 21.60 रुपए पर ट्रेड कर रहा है तो इसी प्राइस पर स्टॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम इसे मार्केट प्राइस पर ही बाय करना चाहते हैं। हमने मार्केट ऑप्शन को चूज करके मॉडिफाई पर क्लिक किया है, हमारा ऑर्डर लग गया है और ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो गया है। आप देख सकते हैं अब पेंडिंग में कोई ऑर्डर नहीं है, यानी कि ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद सक्सेसफुल ऑर्डर में दिखने लगेगा। ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद आप अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं। आपने जितने भी स्टॉक बाय कर रखे होंगे वो सब पोर्टफोलियो में दिखाई देते हैं। ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद पोजीशन में शो होने लगता है, जैसे कि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है इसलिए ये पोजीशन में शो हो रहा है। यहीं पर प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखाई देता है। अगर आप सेम डे स्टॉक को सेल नहीं करते हैं तो वो अगले दिन से होल्डिंग्स में शो होने लगता है, यानी कि आप जिस दिन स्टॉक बाय करते हैं तो उस दिन वो पोजीशन में शो होते हैं और आप उसे उसी दिन सेल नहीं करते हैं तो अगले दिन से वो होल्डिंग्स में दिखाई देने लगते हैं। चलिए अब मैं आपको स्टॉक सेल करके दिखा देता हूँ। स्टॉक सेल करने के लिए आपको पोर्टफोलियो में आना है। आप जिस भी स्टॉक को सेल करना चाहते हैं अगर वो होल्डिंग्स में है तो आपको होल्डिंग्स में जाना है और अगर पोजीशन में है तो पोजीशन में जाना है। इसके बाद आप जिस स्टॉक को सेल करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ एग्जिट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको होल्डिंग ही सेलेक्ट रखना है। यहाँ पर आपको क्वांटिटी डालनी है, आप स्टॉक की कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं। आप चाहे तो सारे स्टॉक सेल कर सकते हैं या कम स्टॉक भी सेल कर सकते हैं। आप चाहे तो एक स्टॉक भी सेल कर सकते हैं। मैं सारे स्टॉक सेल करूंगा। मैंने यहाँ 49 क्वांटिटी डाल दी है। इसके नीचे आपको लिमिट और मार्केट के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये मार्केट प्राइस पर ही सेल हो जाए, जैसे कि अभी ये 21.60 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, आप चाहते हैं कि ये इसी प्राइस पर सेल हो जाए तो आप मार्केट ऑप्शन को सेलेक्ट करके सेल ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप अपने खुद के प्राइस पर स्टॉक को सेल करना चाहते हैं तो आप कस्टम प्राइस को सेलेक्ट करके यहाँ अपना प्राइस डालकर ऑर्डर कर सकते हैं।
जैसे कि अभी ये स्टॉक 21.60 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और आपको लगता है कि ये 21.70 रुपए तक ऊपर जाएगा तो आप यहाँ 21.70 रुपए डालकर ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे ही ये 21.70 रुपए की प्राइस को हिट करेगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और 21.70 रुपए को हिट नहीं किया तो मार्केट क्लोज होने के बाद आपका ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। सेल टू स्वाइप करके ऑर्डर प्लेस कर देंगे, इसके बाद आपका ऑर्डर सबमिट हो जाएगा। जब तक ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा तो वो पेंडिंग ऑर्डर में शो होगा और ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद सक्सेसफुल ऑर्डर में शो होगा। जो स्टॉक आप सेम डे बाय करके सेम डे में ही सेल कर देते हैं उसके लिए आपको टी पिन की जरूरत नहीं होती है, और अगर आप होल्ड किए गए स्टॉक को सेल करते हो तो आपसे टी पिन वेरिफिकेशन कराया जाता है। बिना टी पिन वेरिफिकेशन के आप होल्ड किए गए स्टॉक को सेल नहीं कर सकते हैं। जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं उस समय आपको ईमेल के द्वारा एक टी पिन भेजा जाता है, या आप खुद से भी टी पिन जनरेट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे कि ये स्टॉक हमने आज ही बाय करके आज ही सेल कर दिया है, इसलिए हमसे टी पिन नहीं मांगा गया है। ये सेबी की गाइडलाइन है कि सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद 80% पैसा उसी दिन आपके फंड बैलेंस में क्रेडिट हो जाता है और 20% पैसा नेक्स्ट वर्किंग डे में क्रेडिट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। आप पोर्टफोलियो में जाकर प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें 2.45 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और ऑर्डर क्लोज हो गया है। आप अकाउंट में जाकर बैलेंस चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा बैलेंस क्रेडिट हो गया है। आप विड्रॉ पर क्लिक करके इसे विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी विड्रॉवल अमाउंट शो हो जाएगी, आप जितने रुपए बैंक अकाउंट में विड्रॉ करना चाहते हैं यहाँ उतने रुपए डालकर सबमिट कर देंगे, आपकी विड्रॉ रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। लास्ट में मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इसमें मेरी कोई भी पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको किसी भी तरह के स्टॉक को बाय करने या सेल करने की सलाह नहीं दी है, मैंने केवल उदाहरण के तौर पर आपको समझाया है। अगर आपको शेयर मार्केट में किसी भी तरह का प्रॉफिट या लॉस होता है इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।